देखिए क्वेश्चन है, क्या क्वेश्चन है? मिस्टर कुमार ड्राइव्स टू वर्क एट एन एवरेज स्पीड ऑफ 48 किलोमीटर पर आवर। द टाइम टेकन टू कवर द फर्स्ट 60% ऑफ द डिस्टेंस इज 10% 10 मिनट मोर देन द टाइम टेकन टू द कवर द रिमेनिंग डिस्टेंस हाउ फार हिज ऑफिस। क्वेश्चन क्या है समझिएगा कि सपोज आपको आप एक एक पॉइंट पे थे और आपको इस बी पॉइंट पे जाना है और आप 48 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रहे हैं, राइट? अब रूल कंसेप्ट ये है कि बीच में कोई एक पॉइंट है, मान लो ये यहां से यहां तक का 60% डिस्टेंस है और ये रहा 24% डिस्टेंस, वो चली 40% डिस्टेंस। इस डिस्टेंस को अगर क्रॉस करने में सपोज वाई टाइम लगता है तो इसको वाई प्लस 10 टाइम लगता है, 10 मिनट ज्यादा लगते हैं। तो आपको बताना है कि पूरा डिस्टेंस कितना होगा। अब आप लोग क्या होता है, कई बार जब क्वांट के क्वेश्चन या रीजनिंग के होते हैं तो आप सोचते हो मेथड से करें, मेथड से कर सकते हो, पर आप लॉजिकल तरीके से भी चीजें सीखिए। तो अब यहां पर बोला गया है, जैसे मैं इसको अगर ऑप्शन से करूं तो ये 40 है और ये 60 है और 48 की स्पीड है। अब 48 की स्पीड का मतलब होता है कि 48 किलोमीटर 1 आवर में, 1 आवर मतलब 60 मिनट में। अगर मैं इसको सपोज 6 से डिवाइड कर दूं तो कितना आता है, 6 × 8, इसका मतलब पता क्या निकलता है कि 8 मिनट में वो सॉरी 10 मिनट में, आप इसको ऐसे सोचो 10 मिनट में वो 8 किलोमीटर रन करेगा, क्योंकि 60 मिनट में 48, ऐसा समझने के लिए बता रहा हूं। अब आप लोग इसमें कौन सा ऑप्शन लें, सबसे पहले 48 की स्पीड है, 8 यहां पे 10 मिनट में 8 किलोमीटर चल रहा है, तो इसका मतलब सबसे पहले देखिए कि आपको 4 से रिलेटेड मल्टीपल कितने पे मिल रहा है, जैसे 40 और ये 48, अगर इसको आप सोचो इसका 60% कितना होगा, 24 है ना, इसका 40% कितना होगा, 16 किलोमीटर। अब आप बताइए 10 मिनट में अगर 8 किलोमीटर चलते हैं तो 30 मिनट में 24 किलोमीटर, सिमिलरली 16 किलोमीटर चलने में कितने लगेंगे, 20 मिनट। तो आप ध्यान से देखो कि ये इन दोनों में 10 मिनट का डिफरेंस है, तो यही इसका करेक्ट आंसर होगा, राइट? अब क्योंकि 6:4 के रेशो में ऐसा है ना 60% और 40%, तो ऐसा भी बोल सकते हो कि 6:4 या 3:2। तो मुझे करना ये था कि मुझे ऐसे ऑप्शंस को पकड़ना था जिसमें इजीली आप कर सकते हैं, जैसे इजीली आप जैसे 30 का आप चाहो तो 60% निकाल लो, 30 का बचा हुआ निकाल दो 40%, तो भी हो जाएगा। तो उससे करते तो क्या होता, अब आप में से कई लोगों को लगेगा, पर आप देखो अगर 30 से करते तो ऐसा 18 और 12। अब अगर 8 के मल्टीपल पे जाना हो तो 8 का ये मल्टीपल नहीं है, इसलिए मैंने सबसे पहले ऑप्शन ये। क्वेश्चन को समझ लीजिए कि आपको एक पॉइंट से इस ए पॉइंट से बी पे जाना है, 60% डिस्टेंस कवर करने में जितना भी टाइम लगा वो 40% से 10 मिनट ज्यादा लगा और एवरेज स्पीड थी 48। तो मैंने आपको सिंपल सा तरीका बताया कि अगर एक घंटे में आप 60 मिनट में यदि आप 48 किलोमीटर जाते हो, 10 मिनट का, इसलिए मैं 10 मिनट लिया क्योंकि 10 मिनट का डिफरेंस है, तो 10 मिनट में आप 8 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रेवल करते हो। बस ये छोटे से लॉजिक से आप क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो अगर 40 का 60% देखें तो 24 किलोमीटर होता है और अगर बचा हुआ 40% देखें तो 16 किलोमीटर, 10 मिनट में 8 किलोमीटर तो 30 मिनट में 24 किलोमीटर, 20 मिनट में 16 किलोमीटर, 10 मिनट का डिफरेंस है।